परमेश्वर का जो वचन है वो एक ऐसी तलवार के समान है कि वो आर पार यानी सारी भेदों को, सारी चीजों को, आपके मन के सारे विचारों को भी वो बाहर निकाल के परमेश्वर के सामने प्रकट कर देता। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में और प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के 7 खंडों में से हम दूसरे खंड के बारे में बात कर रहे हैं, 7 कलीसियाओं के नाम पत्र। पिछले संदेश से हम सीख रहे हैं पिरगमन की कलीसिया के बारे में और पिरगमन की कलीसिया का यह तीसरा भाग है। और पिछले संदेश में हमने सीखा था पिरगमन के दूत के बारे में। जी हाँ, दूत के बारे में नाम हमने उसको क्लियर नहीं करा था, बल्कि ये बताया था कि पिरगमन की कलीसिया का दूत जो है वो इतिहास में भी उसका नाम नहीं है और बाइबल में भी उसका नाम मेंशन नहीं किया गया है। परंतु जब रोम की सत्ता धर्म सत्ता से अलग हुई तो उस समय से लेकर और जितना भी समय रहा है उसमें जो है इस दूत जो है वो जो रोम के धार्मिक सत्ता थी उसके धर्मगुरु रह चुके हैं। और दो धर्मगुरु के बारे में बताया था हमने और उनके बारे में बात करी थी, परंतु हम बात कर रहे हैं पिरगमन की जो कलीसिया का दूत है उसके विषय में जो है प्रभु क्या कहना चाहता है, क्या बात करना चाहता है, ये हम आगे सीखेंगे। मगर नाम जो है मेंशन नहीं किया गया है इसलिए हमने नाम नहीं बताया है, परंतु उसके बारे में बहुत सी चर्चाएं, बहुत सी बातें जो है वह हम सीखेंगे। आप पिरगमन की कलीसिया के बारे में यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2 अध्याय उसका 12 पद से लेकर 17 पद तक आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो है हम सबसे पहले जो पिरगमन की कलीसिया की जो रूपरेखा तैयार करी है उसका आज 5वां पॉइंट ले रहे हैं। और यहाँ है 5वां पॉइंट है उस दूत के समक्ष मसीह का विवरण या परिचय। जी हाँ, हम इसका 12वां पद पढ़ेंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ है, पिरगमन की कलीसिया के दूत को ये लिख जिसके पास दोधारी और तेज तलवार है वो ये कहता है कि। अब देखिए पिरगमन की कलीसिया को संदेश देने वाला कौन है, यहां पर हर कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह का जो परिचय दिया गया है या जो विवरण दिया गया है वो बिल्कुल अलग अलग दिया गया है, अलग अलग उसका वर्णन किया गया है। अब यहां पर जो वर्णन किया गया है कि वो क्या कह रहा है कि पिरगमन की कलीसिया के दूत को ये लिख जिसके पास दोधारी और तेज तलवार है वो ये कहता है, परमेश्वर का जो वचन कहता है। यहाँ पर दो चीजें आई हैं कि जिसके पास दोधारी तलवार है। अब दोधारी तलवार का मतलब क्या है, और तेज तलवार है। देखिए दोधारी और तेज तलवार है वो ये कहता है। ये दोनों चीजें जो है तलवार के बारे में जब हम बात करेंगे किसको दर्शाया गया है, ये जो दोधारी तलवार है ये परमेश्वर के वचन को दर्शाया गया। अब आप कहोगे कि हम ऐसे ही बात कर रहे हैं, जिन्हें आप जब परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे, देखिए आप इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 12वां पद निकाल सकते हैं। यहां लिखा हुआ है क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से बहुत ही चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। यहां पर देखिए दो मीनिंग दिए गए हैं। अगर आपने प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसके 12वें पद को पढ़ा होगा कि कौन बात कर रहा है, जिसके पास दोधारी तलवार है, दोधारी तलवार है। अब वो जिसके पास दोधारी तलवार है अब वो बात कर रहा है, उस वो तलवार कैसी है, तेज भी है और दोधारी। दोधारी का मतलब होता है कि दोनों तरफ वार कर रही है। कभी कभार हमारे बहुत से ऐसे प्रभु के सेवक हैं जो जब परमेश्वर के वचन को उठाते हैं तो वो सिर्फ एक ही के लिए बात करते हैं, यानी पब्लिक के लिए बात करते हैं कि परमेश्वर तुमसे ऐसा कहना चाहता है, परमेश्वर तुमसे ये कह रहा है, परमेश्वर तुमसे नाराज है, तुम पश्चाताप करो, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो। इसका मतलब क्या, तुम ही तुम करो, हम कुछ ना करें। मगर जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर जितने भी इस पृथ्वी पर मनुष्य हैं, चाहे वो सेवक के रूप में हो, चाहे वो बिशप के रूप में हो, चाहे वो अधिकारी के रूप में हो, चाहे वो कांग्रीगेशन के रूप में हो, चाहे वो उसकी जाति के रूप में हो या अनजाति के रूप में हो, सभी से परमेश्वर का वचन एक समान बात करता है। अगर हम किसी दूसरे के ऊपर दोष लगा रहे हैं तो वही जो दोष है वह हम पर भी लगाया जा रहा है, वही गलती हम भी कर रहे हैं। यानी परमेश्वर का वचन अगर दूसरे के बारे में कुछ कह रहा है तो हमारे बारे में भी वही बात है। ये नहीं है कि सिर्फ सारी बातें जो हैं वो सिर्फ दूसरे के बारे में है,
ये बात जो है समझना, इसलिए उसको दोधारी तलवार कहा गया है कि बचना, जो वचन को सुना रहा है बचेगा वो भी नहीं जब परमेश्वर का न्याय होगा। अगर वो दोषी ठहराया गया तो दंड उससे भी मिलना है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी चीज, अब इस बात को समझे कि वो तेज है, यानी परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि तेज तलवार है, वो ये कहता है। अब तेज तलवार का जो यहां पर वर्णन है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, देखिए जीवित है, देखिए परमेश्वर का वचन क्या है, जीवित है और प्रबल है और हर एक दोधारी तलवार से बहुत ही चौका यानी बहुत ही तेज है। अब वो क्या करता है, यहां लिखा है प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। कहने का मतलब क्या है, आपके प्राण के अंदर, आपके आत्मा के अंदर, आपके रोम रोम के अंदर अगर कोई भी बात है परमेश्वर के वचन के खिलाफ में है, परमेश्वर के वचन के विरोध में या आप बात कर रहे हैं, या परमेश्वर के पक्ष में बात कर रहे हैं, या मन में भी अगर आप सोच रहे हैं कोई भी विचार, मान लीजिए हम जब बहुत से सेवक पुलपिट पे आते हैं बहुत, या किसी के घर में जाते हैं या कहीं जाते हैं, बहुत धार्मिकता की, बहुत धर्म की बात करते हैं, परंतु मन के अंदर उनके क्या है, तो वो बता रहा है कि परमेश्वर का जो वचन है वो एक ऐसी तलवार के समान है कि वो आर पार यानी सारी भेदों को, सारी चीजों को, आपके मन के सारे विचारों को भी वो बाहर निकाल के परमेश्वर के सामने प्रकट कर देता है। ठीक है, किसी मनुष्य के सामने प्रकट हो या ना हो, मगर परमेश्वर का वचन ऐसा है कि वो ऐसा अंदर तक जाता है और वो सारी बातें निकालकर परमेश्वर के समक्ष लाकर रख देता है कि ये सोच रहा है, इसके दिल दिमाग में ये बातें चल रही है, इसके दिमाग में अच्छी चल रही या बुरी चल रही, सारी बातें परमेश्वर के सामने निकाल के, यहां लिखा ना, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। देखिए सारी बातों को, ये परमेश्वर का वचन ऐसे ही नहीं है, अगर हम किसी के मन की बातों को, विचारों को, की बातों को बात कर रहे हैं तो परमेश्वर का वचन हमारे मन के, हमारे विचारों की भी बात करता है। इसलिए ध्यान करें कि परमेश्वर का वचन जो है बहुत तेज है, हमारे अंदर की सारी बातों को, गुण बातों को भी, जो हम कितना भी छुपा के रखें अपने अंदर, वो सब बाहर निकाल देगा, हर एक चीज को अलग अलग करके वो बाहर निकालेगा कि ये है हमारे मन के अंदर, ये चल रहा है। परमेश्वर के सामने सब बातें प्रकट हो जाती हैं, ये ध्यान रखना, परमेश्वर का वचन जो है इस बात को प्रकट करता है। फिर क्या लिखा हुआ है, जब आप इफिसियों 6 अध्याय उसका 17वां पद पढ़ेंगे, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार, आप ध्यान करना यहां पर, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। अब यहां पर जरा ध्यान देने की बात है, यहां पर बहुत से लोग, देखिए परिचय क्या है प्रभु यीशु मसीह का, जिसके पास दो धाली तलवार है, ठीक है, चौकी और तेज तलवार है, वो ये बात कहता है। अब उद्धार का टोप, हमारा उद्धार कौन है, प्रभु यीशु मसीह, यानी प्रभु यीशु मसीह को पहन लेना है, और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, यानी परमेश्वर का जो आत्मा है वो उस वचन से परिपूर्ण होकर हमें सिखाता है। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है कि जब सहायक आएगा तो मेरी बातों में से तुम्हें स्मरण कराएगा, मेरी बातों में से वो तुम्हें बताएगा, तुम्हें याद दिलाएगा। जी हाँ, परमेश्वर का आत्मा जो है वो वचन का काम कर रहा है, वो एक तलवार का काम कर रहा है, और परमेश्वर की आत्मा से कुछ भी नहीं छुपा है। दाऊद देखिए भजन संहिता 139 पढ़ेंगे, दाऊद बहुत बढ़िया बात कहता है कि हे परमेश्वर मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊंगा, कहां जाऊंगा, कहां छुप सकता हूं। जी हम परमेश्वर की आत्मा से भाग कर जो है कहीं नहीं छुप सकते हैं, वो एक वचन, परमेश्वर का आत्मा जो है, परमेश्वर का आत्मा जो है, यहां क्या लिखा हुआ है, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, यहां परमेश्वर का वचन कहता है आत्मा की तलवार, देखिए यहां पर लिखा आत्मा की तलवार ले लो, ठीक है, और आत्मा की तलवार क्या, परमेश्वर का वचन, ये वो आत्मिक, क्योंकि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से, परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य से लिखा गया है। जी हाँ, ये आत्मा की तलवार है हमारे पास, और ये ऐसा मार काट करती है जो कोई भी नहीं बच सकता, चाहे आप अपने आप को दुनिया के सामने कितना भी धार्मिक प्रकट कर लें, दुनिया के सामने कितने भी अच्छे बन जाएं, दुनिया के सामने कितने भी आप ज्ञान देने वाले या बुद्धिमान या सामर्थ्य के काम करने वाले या असंभव को संभव कार्य करने वाले, आश्चर्यजनक अद्भुत काम करने वाले बन जाएं, मगर यदि कहीं गलत है तो ये आत्मा की जो तलवार है ना,
ये हमें उजागर कर देगी कि हम कहां पर गलत हैं और किस तरीके से गलत हैं, और परमेश्वर का वचन जो है वह हमें छोड़ेगा नहीं। तो यहां ध्यान करें, ये दूत को लिखने वाला कौन है कि प्रभु यीशु मसीह है, और प्रभु यीशु मसीह के पास वो चीज है, यानी क्या चीज है, दोधारी तलवार है, और क्या है, वो तेज तलवार है, और ये तलवार परमेश्वर अपने लोगों को देना चाहता है कि तुम इससे जो है ये तलवार ले लो और इस तलवार से तुम क्या करो, युद्ध करो। यानी परमेश्वर के उस वचन से, उस खरे वचन से जो है हमें युद्ध करना है जो प्रभु यीशु मसीह के पास है। और इसने पिरगमन की जो कलीसिया है, पिरगमन की कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ने ये दोधारी और तेज तलवार दे रखी है, यानी परमेश्वर के आत्मा की तलवार जो है पिरगमन की कलीसिया के पास है, वो इस तलवार को चलाना जानती, चलाने का मतलब होता है यूज करना जानती है, वो लोगों के लिए भी यूज करती है और अपने लिए भी यूज करती है। देखिए दो चीज है, कोई चीज अगर हमें मिलती है तो सिर्फ हमारे अकेले के लिए नहीं, परमेश्वर के आत्मा की तलवार हमारे अपने इस्तेमाल करने के लिए भी होती है और दूसरों के लिए भी होती है, हमारे आत्मिक जीवन को भी बढ़ाने के लिए होती है और दूसरे के आत्मिक जीवन को बढ़ाने के लिए होती है। तो प्रभु यीशु मसीह का जो परिचय है बिल्कुल अलग है यहां पर पिरगमन की कलीसिया के लिए, कि प्रभु यीशु मसीह पिरगमन की कलीसिया से क्या कहता है कि तुम ये जो है, कौन कह रहा है, जिसके पास दोधारी तलवार और तेज तलवार है, ध्यान करें, और वही तेज तलवार और दोधारी तलवार मेरे और आपके पास भी है। आइए हम उसको इस्तेमाल करते हैं अपने लिए भी कि हमारी धार्मिक उन्नति हो सके, और दूसरों के लिए भी कि दूसरों की भी धार्मिक उन्नति हो सके, और शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए इसको इस्तेमाल करें ताकि शैतान के काम भी नष्ट हो सके। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन।